देखिए, सुनना बड़े गौर से। अपन ने टाइप वन पढ़ा था पिछली क्लास में कि दोनों ही रूट एक खास नंबर एन से, तो सुनिएगा, टाइप वन अपना था कि दोनों ही रूट एक खास नंबर एन से बड़े हैं। अभी वाला कह रहा है कि एन बीच में है, दोनों तरफ एक एक रूट है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसी को यदि इज इक्वल टू जीरो कर दूं तो रूट्स हैं अल्फा बीटा। यदि ए जीरो से बड़ा है तो ऐसा केस, और ए यदि जीरो से छोटा है तो ऐसा केस। और ये आपकी एक्स एक्सिस अल्फा और बीटा पे कटी, इसके बीच में एन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक बीच में है, वो इधर या उधर सरका हुआ हो सकता है। आपको मेरी बात आ रही समझ में? इसमें भी ये एक्स एक्सिस है, ये अल्फा और बीटा रूट्स हैं, और एन कहीं बीच में है। यस, तो ए जब ग्रेटर देन जीरो है तो कंडीशन की लिस्ट, और ए जब लेसर देन जीरो है तो कंडीशन की लिस्ट कितनों ने बना ली? हाँ, अपन खड़े हो जाओ, यहाँ की पूरी लिस्ट बताओ, हाथ नीचे करो तब तक। हाँ, वेरी गुड, बोलो। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, हाँ हाँ, और एन होगा, और बैठिए, और हाथ उठाओ, इनसे आंसर डिफरेंट हो रहा है तो हाथ उठाओ। हाँ, तोमर साहब खड़े हो जाओ, हाँ तुम खड़े हो जाओ, क्या नाम तुम्हारा? सुरेंद्र, हाँ हाँ, और बैठ जाओ, और बोलो। तोमर साहब खड़े हो जाओ, फिर से बोलो। ए ग्रेटर देन जीरो, डी डॉग डिस्क्रिमिनेंट ना, हाँ, और हाँ, इनसे अलग कोई बोलना चाहता है तो बैठ जाओ। ओ भैया, पहले बोर्ड पे देख ले, बैग बाद में खोलना। सुनो, मुझे एक बात नहीं आ रही समझ में, जरा देखिए, आपका पैराबोला ऐसे ऊपर जाने वाला है। आपका पैराबोला कहाँ जाने वाला? ऊपर। कंटिन्यूस फंक्शन होता है पैराबोला, पॉलीनोमियल कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, टूटते नहीं है कहीं। उसने एन पर नेगेटिव दिया, ये तो मानते हो, एफ एन कैसा? नेगेटिव। तो ओ देख इधर, तो ये संभव ही नहीं है कि इमेजिनरी रूट्स की स्थिति में एन नेगेटिव हो जाए, एन पॉजिटिव होगा उस समय। एन नेगेटिव सिर्फ कब हो सकता है? जब ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे से गुजरा हो, तो पॉजिटिव की दुनिया से चला आ रहा है, कभी नेगेटिव हुआ है और फिर वापस ऊपर चला गया, क्योंकि ए पॉजिटिव है तो ऊपर जाना ही है उसको। हिलो मत तुम। इसका मतलब वो कभी ना कभी एक्स एक्सिस को काटेगा ही, तो मैं अलग से डी पॉजिटिव क्यों बोलूं? मुझे अपने माथे पर लिख के रखने की जरूरत है कि मैं लड़का हूं, दिख ही रहा हूं। तो जब ए पॉजिटिव है, मतलब हाईएस्ट पावर का कोफिशेंट पॉजिटिव है, और किसी खास वैल्यू पर हमारे ग्राफ ने नेगेटिव दिया, इसका मतलब वो नीचे से होकर गया है, तो एक्स एक्सिस कटी ही होगी। तो स्पेशली क्यों बोले कि एक्स एक्सिस कटेगी? डी पॉजिटिव अलग से बोलने की कहां जरूरत? सिर्फ इतना काफी है। और जब ए नेगेटिव है तो ये नीचे 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 कहां जाएगा? माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ये प्लस इंफिनिटी की तरफ जाता है। ये किसी खास नंबर पे हमें पॉजिटिव दे रहा है, किसी खास नंबर पे क्या दे रहा है? तो किसी खास नंबर पे क्या दे रहा है साहब? पॉजिटिव। तो ग्राफ नीचे से ऊपर पॉजिटिव हुआ और फिर नीचे गया होगा। तुम्हारे बैंक अकाउंट में 1000 रुपए पॉजिटिव रखे थे, फिर धीरे धीरे निकले 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 निकले, अकाउंट माइनस में चला गया, फिर पॉजिटिव हुआ, तो बीच में जीरो हुआ ही होगा। उसी तरीके से ये भी माइनस था, पॉजिटिव हुआ और फिर माइनस हुआ, तो पक्का बीच में जीरो हुआ होगा। फिर अलग से डी पॉजिटिव क्यों लिखूं? तो एफ एन ग्रेटर देन जीरो। कंडीशन अपन कौन सी लिख रहे हैं?
रिक्वायर्ड एंड सफिशेंट, तो आवश्यक और बस जितनी चाहिए उतनी, ढेर सारी कंडीशन क्या करेंगे? अरे हाँ, लिखो जल्दी फटाफट। इस पर आधारित एक क्वेश्चन कीजिए। आपसे बोल रहे हैं कि एक मूल दो से छोटा है और दूसरा मूल दो से बड़ा है, तो के बताइए। देखिए, सबसे पहले ये देखो कि हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट क्या है साहब, यानी पैराबोला ऐसे ऊपर जा रहा है। चेहरे से हाथ हटाओ, बोर्ड पे देखो। तो इधर अल्फा, इधर बीटा, बीच में कौन होगा? तो टू पे फंक्शन को क्या देना है, और इस पूरे को हमने फंक्शन मान लिया, तो ये फंक्शन हमें टू पे नेगेटिव देगा। इसमें टू रख दीजिए, टू का स्क्वायर माइनस के प्लस वन, टू प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस एट, ऐसा। तो ये फोर माइनस टू के माइनस टू प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस एट, तो के स्क्वायर माइनस के, तो के स्क्वायर माइनस थ्री के प्लस टू के माइनस सिक्स, इतना सही है क्या? फिर के कॉमन निकाला, ऐसा हो गया। तो वेवी कर्व बनेगा माइनस टू पे थ्री पे, यस। दोनों तरफ कोफिशेंट पॉजिटिव है इसलिए ऊपर से आएगा, पावर ऑड है इसलिए आर पार चला जाएगा। लेस देन जीरो चाहिए था तो के बिलोंग्स टू माइनस टू से लेके तीन तक, कितने लोगों से आंसर मैच हुआ? एक मिनट हाथ उठा के रखना, बहुत सारों से बन गया, गिने चुने दो तीन से नहीं बना। जल्दी करिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैंने कोडिंग में लिख दिया कि हिंदी इंग्लिश में दो बार ना लिखना पड़े। इसमें आपको ए की वैल्यू बतानी है, जबकि कह रहे हैं कि एक रूट तीन से छोटा, एक रूट तीन से बड़ा। बोलो बच्चा, कितने लोगों के पास कुछ ना कुछ आंसर आया? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोर्ड पे देखिएगा, एफ थ्री, एक मिनट मैं आपको जानकारी दे दूं, बोर्ड पे देखना। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन का डिस्क्रिमिनेंट बताओ, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कैसा आया? तो ये हुआ महाजिद्दी कैटेगरी, और इसका चिन्ह पॉजिटिव है इसलिए ये पूरी चीज हो गई क्या? इसका मतलब ये क्वांटिटी खुद में क्या है? तो हाईएस्ट पावर का कोफिशेंट पॉजिटिव, इसका मतलब ये वाला फोटो बनने वाला है, तो तीन पर नेगेटिव आएगा। आ रही मेरी भावना है समझ में? तो बताइए, तीन इसमें रख दिया तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, थ्री का स्क्वायर ए माइनस वन थ्री प्लस ए स्क्वायर लेस देन जीरो। बोर्ड पे देखते रहना, नाइन ए स्क्वायर प्लस नाइन ए प्लस नाइन प्लस थ्री ए माइनस थ्री प्लस ए स्क्वायर, तो टेन ए स्क्वायर प्लस ट्वेल्व ए प्लस सिक्स लेस देन जीरो, देखना सही है क्या? फाइव ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए प्लस थ्री लेस देन जीरो, सही है क्या? अब इसका डी देखो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, छत्तीस माइनस, ये भी क्या हुआ? और इसका कोएफिशिएंट, इसलिए ये क्वांटिटी क्या हो गई? ऑलवेज पॉजिटिव। और हम दुआएं क्या कर रहे हैं इसके नेगेटिव होने की, तो ऐसी बददुआएं पूरी नहीं होगी। ए बिलोंग्स टू नल सेट। अरे यस, लिखिए सब, लिखो जल्दी लिखो, क्योंकि अब अगला है टाइप थ्री। मिटा दूं इसको, टाइप थ्री करें, डन डन। आइए देखिएगा, सुनिए, ए ग्रेटर देन जीरो है, ये अल्फा ये बीटा, तो एन इधर एम इधर, उसके बीच में कहीं एक रूट, ये अल्फा ये बीटा, एन यहां एम यहां, मतलब सिर्फ एक रूट हो एन और एम के बीच में। जब ए लेस देन जीरो है तो भी अल्फा बीटा, एन इधर एम इधर, अल्फा बीटा,
एन इधर एम इधर। तो इसके लिए कंडीशंस लिखिए, इसके लिए कंडीशंस लिखिए। पहले सुंदर एकदम फोटो बनाइएगा। इसके लिए कंडीशन निकाली, हाथ उठाओ। हाँ दीदी खड़े हो जाओ, बोलो। एफ एन नेगेटिव, हाँ हाँ। फिर इसमें एफ एन पॉजिटिव, हाँ। फिर बैठो, और हाथ उठाओ, और कुछ अलग है तो हाथ उठाओ। ज्योति प्रसाद, हाँ खड़े हो जाओ, बोलो। मतलब ना, गलत, बैठो। हाँ क्या नाम आपका? सोनाली, हाँ खड़े हो जाइए। खत्म, खेल खत्म। बैठिए आप, ध्यान से देखो। पहली दीदी ने कहा कि एफ एन नेगेटिव एफ एम पॉजिटिव, फिर अगली स्टेप में एफ एम पॉजिटिव एफ एम नेगेटिव दिख रहा, तो ये दो चीज एक साथ कैसे बोल पाएंगे? तो बोलने का आसान तरीका ये हुआ, इधर भी देखो, एफ एन नेगेटिव सॉरी एफ एन पॉजिटिव एफ एम नेगेटिव, एफ एन नेगेटिव एफ एम, तो इस बार दो डिपार्टमेंट नहीं बनेंगे। देखो देखो, समझ आता हूं, देखना। एफ एन कैसा, एफ एम कैसा, पॉजिटिव। एफ एन कैसा, पॉजिटिव। एफ एम कैसा, तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। एफ एन कैसा, पॉजिटिव। एफ एम कैसा, बोर्ड पे देखो, एफ एन नेगेटिव एफ एम कैसा, यानी कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो ये डिपार्टमेंट अलग अलग मत करो, एक ही है, एफ एन इंटू एफ एम नेगेटिव। अब ए ग्रेटर के लिए भी यही केस, ए लेसर के लिए भी ये केस। तो सुंदरता के साथ ये बोल दो कि बस हाईएस्ट कॉफिशेंट जीरो नहीं होना चाहिए, दोनों केस वैलिड है, क्योंकि एक का नाम है जीरो से बड़ा, एक का नाम जीरो से छोटा, दोनों ही यूज करना है। इसका मतलब बस जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यू चलेगी। और इसका प्रोडक्ट नेगेटिव, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो उसका प्रोडक्ट डन डन। अगला करें इसका क्वेश्चन, इस पर आधारित क्वेश्चन कीजिए साहब। कह रहे हैं कि ठीक एक रूट लाई करे माइनस टू से जीरो के बीच, तो एम बताइए, बोलो क्या करेंगे? चीजों का प्रोडक्ट जीरो। तो बोर्ड पे देखना, माइनस टू पहले हमने रखा, फिर जीरो रखा, बोर्ड पे देखते रहना। तो ये हो गया फोर माइनस टू एम प्लस एम स्क्वायर प्लस सिक्स एम, एम स्क्वायर प्लस सिक्स एम, बोर्ड पे देखते रहना। तो एम स्क्वायर प्लस फोर एम प्लस फोर एम, एम प्लस सिक्स, तो एम प्लस टू का होल स्क्वायर एम, एम प्लस सिक्स लेस देन जीरो। इसका वेवी कर्व बनाया, तो माइनस सिक्स माइनस टू जीरो, कोएफिशिएंट पॉजिटिव, इसलिए ऊपर से आया, जीरो की पावर ऑड, इसलिए आर पार हो गया, माइनस टू की पावर इवन, इसलिए बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, माइनस छः की पावर ऑड, इसलिए आर पार। चेहरे से हाथ हटाओ। हमको ये क्वांटिटी जीरो से नीचे चाहिए, तो आंसर आया माइनस छः से माइनस दो यूनियन माइनस दो से जीरो, या करके हम आंसर लिख सकते हैं माइनस छः से जीरो तक हटाओ माइनस टू। अरे यस, तो ये या ये आंसर लिखने वाले हाथ उठाएं, बधाई हो। अगला करो, अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। अगला क्वेश्चन आप लोग पूरा लिखिएगा, अगला क्वेश्चन बोर्ड पर है, मिटा दूं इसको, बोर्ड पे देखना साहब। एफ जीरो, बोर्ड पे देखना, एफ थ्री नेगेटिव, जीरो का स्क्वायर ए, ये टू पॉजिटिव नंबर सामने भेज दिया जीरो में, यहां तक मैं सही हूं क्या? ये नाइन है, मैं ए समझ लिया था, सही है भैया, जहां देख लो। ये क्या हुआ, यहां देखो, ये जीरो, ये कितना पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, चेहरे से हाथ हटाओ, नेगेटिव। तो वेवी कर्व नीचे से आया, दोनों की पावर ऑड ऑड, तो आर पार चला गया। बोर्ड पे देखना, तो ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी
से जीरो, छः से इन्फिनिटी। रुको, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखना, ये दोनों किनोरी की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। यदि मैं ए को जीरो रख दूं तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एक रूट जीरो, एक रूट कितना, तो ये जो दूसरा रूट है ना वो शर्त मान रहा है कि मैं जीरो से थ्री के बीच में हूं। समझे आप बात को? अब मैं छह रख के देख लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस बारह, तो एक्स इज इक्वल टू सेवन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तो एक्स इज इक्वल टू सेवन प्लस माइनस वन अपॉन टू, बोलो चार और तीन, तो एक भी रूट इसमें नहीं है, खारिज खारिज, यस, यानी कि सिक्स खारिज। मगर इस मामले में वन इस इलाके में है और इस इलाके में दूसरा नहीं है। शर्त यह थी कि ठीक एक ही रूट इस इलाके में होना चाहिए, तो यह मान्य है। जीरो सिलेक्टेड है, आईआईटी ऐसा पूछेगी, मतलब तुम बड़े खुशी खुशी टिक करके आ गए, उसमें ऐसी बारीकी निकलेगी, मतलब विशेष क्वेश्चन, मतलब उस पर लिख दीजिए क्वेश्चन के पास आईएमपी, सी आंसर, नहीं ऑप्शन देखकर काम करेंगे। यदि ऑप्शन में नहीं है जीरो कभी सिलेक्टेड तो क्यों चेक लगाएं, यदि है तो देख लेंगे एक नज़र। छापो नहीं, छापो नहीं, छापते हो ना उस चक्कर में अगला क्वेश्चन नहीं बनता। बहुत देर तक देखो, समझो, चेहरे से माथे से गले से हाथ हटाओ, फिर कोशिश करो। डन, क्वेश्चन के पास इंपॉर्टेंट लिखना और ब्रैकेट में लिखना सी आंसर। इसको मिटा दूं, टाइप फोर, अरे बात ना करें, देखना ये स्टाइल सही लिखी क्या मैंने, दोनों ही मूल एन और एम के बीच में हो, बराबर भी हो सकते हैं, होने दो। तो जब ए पॉजिटिव है तो कंडीशन की लिस्ट एन एम अल्फा बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा एन एम, ए लेस देन जीरो अल्फा बीटा एन एम, अल्फा इज इक्वल टू बीटा एन एम, कंडीशन की लिस्ट, कंडीशन की लिस्ट बनाइए, सुंदर फोटो बनाइएगा। किसी ने कंडीशंस बनाई, कुलदीप भैया जागते रहो, आइए मिलाते हैं। बोर्ड पे देखना, सुनना बड़े गौर से, एन का पॉजिटिव होना, एम का पॉजिटिव होना, बोर्ड पे देखते रहना, ये पर्सनली पॉजिटिव करना पड़ेंगे, आप प्रोडक्ट पॉजिटिव नहीं बोल सकते। प्रोडक्ट पॉजिटिव में मालूम क्या हो जाएगा, एन और एम अंदर आकर बैठ जाएंगे, तो वो पर्सनली नेगेटिव होंगे मगर प्रोडक्ट पॉजिटिव दिखाई देगा। बोर्ड पे देख भैया, अभी मत सुधार, सीधे होके बैठो, एक तो रीढ़ की हड्डी सीधी रख के। अब इतना करने से भी काम नहीं होगा, दरअसल ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाए, मतलब नो रियल रूट्स, और एन और एम कहीं ना कहीं तो होंगे, तो वो भी इस समय क्या दे रहे हैं, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अलग अलग रूट, या अब इतनी कंडीशन भी फेल हो जाएगी। ध्यान से देखिए, एन इधर और एम भी इधर, आपका पूरा गेम बिगड़ गया, पेन मत घुमाओ, एन भी पॉजिटिव एम पर भी पॉजिटिव, तो ये एक दो तीन चार कंडीशन को ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर गलत हो गया। तो इससे बचने का तरीका, अल्फा और बीटा का मिड पॉइंट जो होता है माइनस बी अपॉन टू ए, वो एन और एम के बीच में ले आओ, यहां मिड पॉइंट इधर है, एन और एम इधर है, तो माइनस बी अपॉन टू ए को लाइए एन और एम के बीच कहीं। इतनी सारी कंडीशन और सारी और इससे ज्यादा नहीं लिखने वाला हाथ उठाओ। क्या नाम भैया का? आर्यांश प्रवार, पवार,
भैया चेक करना उसकी कॉपी में लिखी है क्या ये सब। आर्यन पवार के लिए जोरदार तालियां, बजाओ बजाओ दीदी बजाओ। दूसरी तरफ की बनाते हैं, देखना साहब, FN पर्सनली नेगेटिव, FM भी पर्सनली नेगेटिव, मगर D को पॉजिटिव ही रहना चाहिए, उसको थोड़ी नेगेटिव कर देंगे। माइनस B अपॉन 2A रहे N और M के बीच, मतलब अभी तक की सबसे कठिन कैटेगरी यही है। पांच चेक लगाएंगे तब जाके आंसर आएगा। करिए, लिखा दू इस पर आधारित क्वेश्चन, लीजिए। आपसे बोल रहे हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स का नाम यदि अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा इक्वल नहीं है, और अल्फा बीटा दोनों ही माइनस छः और वन के बीच में है, तो के बताइए, चेहरे से हाथ हटाइए, मैं कर दूं। देखिएगा, ध्यान से देखना, इसका कोफिशेंट पॉजिटिव है, मतलब ऐसा वाला सेप बनेगा, यहां माइनस छ यहां वन, तो माइनस छ पे पॉजिटिव, तो 36 प्लस टू के माइनस थ्री माइनस सिक्स प्लस नाइन। देखना मैंने सही लिखा है क्या, कहां 27 आएगा, क्या गलत है। अच्छा, यहां क्या लिखूं, 36 लिखूं, है ना, तो 36 और 45 81, तो यहां कितना हो जाएगा, सही है। अब बोर्ड पे देखना, अब F1 भी क्या पॉजिटिव, बोलो साहब, 1 प्लस 2 के माइनस 3 1 प्लस 9, सही है। और क्या कहा था मैंने, D पॉजिटिव, इज इक्वल टू हटा दिया मैंने, क्योंकि रूट्स अनइक्वल हैं, तो B स्क्वायर माइनस 4AC, भैया बोर्ड पे देख ले, 4 कॉमन होके गया, इसको लिखा मैंने स्क्वायर, मैं होल स्क्वायर का ब्रैकेट नहीं खोलूंगा, मेरी आंखों से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो के माइनस सिक्स के, बोर्ड पे देखते रहना भाई, आखिरी क्या था, माइनस बी अपॉन टू ए रहे माइनस छ और वन के बीच, पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई, सही है क्या। अब इन सबको लेकर आओ एक मंच पर, 27/4 कितना होता होगा, चेहरे से हाथ हटाओ, 6.9, वो कह रहा है कि 27/4 से छोटे रहना, ये कह रहा है कि -2 से बड़े रहना, ये कह रहा है कि 0 से छोटे रहना, नहीं तो 6 से बड़े रहना, वो कह रहा है 9 से 2 के बीच में रहना, तो खुशी की चार लहर कहां है, तो आंसर K belongs to 6 से 27/4। कितने लोग सफल, बहुत 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 बधाई। टाइप 5 लिखिए, इसके लिए कंडीशंस लिखिए, ये आखिरी टाइप है, मैं करूं। देखिए, FN पर्सनली नेगेटिव, FM पर्सनली नेगेटिव, D को पॉजिटिव रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव से वो नेगेटिव हुआ है ग्राफ, तो अवश्य 0 हुआ होगा, बस काफी है। इधर पर FN पर्सनली ग्रेटर देन 0, FM पर्सनली ग्रेटर देन 0, कितनों ने एकदम सही लिखा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा, आपने भी लिखा, लिख के काट दिया, क्या काम पांडुलिया, लिख जल्दी। अगला क्वेश्चन करिए, दोनों रूट के बीच में 1 और 2 है, तो आपको के बताना है। देखिए साहब, इसमें स्पेशल केस लगेगा, सुनो, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, जब वो पॉजिटिव है, उस समय एफ वन नेगेटिव, एफ टू भी क्या, या
जब k माइनस फाइव नेगेटिव है तो एफ वन पॉजिटिव, एफ टू भी पॉजिटिव, यानी एक आंसर का सेट इधर से आएगा, एक सेट इधर से आएगा। चेहरे से हाथ हटाओ तो k, हाँ टाइम बिगड़ेगा। माइनस नाइन क्या जीरो से छोटा होता है? क्या होता है? इसलिए k बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। इसने बोला ऑल रियल नंबर्स, तो आंसर हुआ k बिलोंग्स टू 5 से 25। एक आंसर उधर से भी आएगा, लिखो मत। तो k लेस देन 5, अच्छा ये 4 था, देखना इधर। हेलो, चेहरे से हाथ हटाओ। तो f1 k माइनस फाइव माइनस टू के प्लस k माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो। माइनस नाइन जीरो से बड़ा होता है? नहीं होता ना। तो इसने बोल दिया k की कोई सी भी वैल्यू नहीं, तो इसकी मेहनत करने का मतलब ही नहीं। तो इस डिपार्टमेंट से आंसर नहीं आएगा, आंसर सिर्फ यहां से आएगा। यदि कुछ आंसर यहां से भी आता तो हम यूनियन करके यहां का आंसर बगल में लिख देते। पूरा व्यवस्थित लिखना कि इधर से आंसर आ नहीं रहा है एक्चुअली। अब हेडिंग डालो मिसलिनियस इक्वेशंस, मिक्स इक्वेशंस करिए। बोलो, सब बोलो, आंसर आया क्या? देखिए मैं करूं, बोर्ड पे देखना, कंसेप्ट समझ लीजिए, बोर्ड पे देखना। ये 3 पे 0 होगा, ये -1 पे होगा, कंसेप्ट समझिए, चेहरे से हाथ हटाइए। तो दरअसल 3 डिपार्टमेंट है, 1, 2 और 3। इन तीनों डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग चर्चाएं होंगी। x हो 3 से बड़ा एक डिपार्टमेंट, फिर x हो -1 से 3 के बीच, और एक होगा x -1 से छोटा। इसमें इज इक्वल टू लगा सकते हो आप, क्योंकि मॉड फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। 3 से बड़ा नंबर मन में सोचो 4, 4 में से 3 गया पॉजिटिव, 4 और 1 पॉजिटिव, मॉड के अंदर की चीज पॉजिटिव है तो बुरखा खोल दो। 5/3 कितना होता है? 1.66, 1.66 तीन से बड़ा होता है। दीदी हाँ मैं हाँ करित रही, रिजेक्ट, आंसर रिजेक्ट। ऊपर देखो, अरे सर उठा के जियो भाई। -1 और 3 के बीच का नंबर 0 नेगेटिव, मगर ये मॉड के अंदर का माल नेगेटिव, तो फिलहाल इसका चिन्ह प्लस है, तो माइनस कर दो, माइनस हो तो प्लस कर दो और सादा ब्रैकेट लगा दो। -1 हमारी रेंज में है तो ये आंसर का हिस्सा बन गया। -1 से छोटा नंबर मन में सोचो -2 रखेंगे तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों के बुरखे खोलेंगे, दोनों में डंडे लगेंगे, वो देखना भाई सही है कि गलती। ओनली आंसर x इज इक्वल टू -1 लिखो साहब। मगर ग्राफ में कभी कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती, नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाते हैं। औ क्या, अब ग्राफ की एक्यूरेसी अच्छी हो तो मिलेगी, अब किसी ने गंदा सा ग्राफ बना दिया तो क्यों मिलेगी? और अपने यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं तो मैं मालूम नहीं। अगला क्वेश्चन, ओए क्वेश्चन कर नालायक हजरिया, तुम 3-4 लोगों में गड़बड़ हो गई है कुछ, बातें करते हो और हंसते हो, कैरियर खराब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं एक्स का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मान बताइए। नया क्वेश्चन बोर्ड पे, पिछला मिटा दूं भाई जी बचा? नहीं, अमन को तो एक ही आंसर चाहिए, लीस्ट पार्टिजव। हाँ तो हों दो ना, उससे क्या है, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। 0 लेना है आंसर, आपने 4 एग्जैक्ट नहीं लिया, 4 जैसा लिया है, मॉड हो गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। आइए देखिए,
बोर्ड पे देखना साहब, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 या एक्स 4 से छोटा, -1 से बड़ा, एक्स -1 से छोटा। 4 से बड़ा हमने मन में सोचा 5, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो बुरके खोल दिए। देखना सही लिखा है क्या, सही है, कुछ गलत है क्या, ऐसा तो ये क्या हो गया, यस। तो सुनो, इसने कहा 4 से बड़े रहना, इसने कहा 5 से बड़े रहना, तो इधर से आंसर शुरू हुए निकलना 5 से बड़ा। अब यहां से आएगा यूनियन एक आंसर, बोर्ड पे देखना, -1 और 4 के बीच का नंबर 0। अपन पॉइंट में भी सोच सकते हैं मगर अपन ने 0 सोचा, 0+1 पॉजिटिव, 0-4 गया नेगेटिव, इसलिए यहां का चिन्ह बदल जाएगा। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। 5 बड़ा होता है 7 से, तो इस इलाके में कोई आंसर नहीं। अब यूनियन, इस इलाके से आएगा आंसर। -1 से छोटा नंबर मन में सोचो, -1 से छोटा, -2, -2 और 1 नेगेटिव, ये भी दोनों जगह माइनस। सही लिखा है क्या, देखना, अरे इधर देख ले सही है कि नहीं। हाँ बताओ भाई, ओ हो, अब ठीक है, अरे सही है। पहले बड़ा और फिर छोटा लिखना अच्छा नहीं लगता, चेहरे से हाथ हटाओ। तो -∞ से -2 लिखेंगे, 5 से इन्फिनिटी लिखेंगे, ठीक। सुनो मेरी बात, हमसे क्या कहा गया था, तो समझदार बच्चों ने तो इसको सॉल्व ही नहीं किया होगा, क्योंकि यहां मिलता तो भी एक्स क्या मिलता, नेगेटिव। तो एग्जाम हॉल में समय बचाइए, यह डिपार्टमेंट काम का ही नहीं है, क्योंकि हमको पॉजिटिव एक्स चाहिए। 5 इंक्लूड नहीं कर सकते, तो सही आंसर हुआ 6। आप यहां सब कुछ लिखना और फिर बोल सकते हो कि ये तो क्या हुआ, क्योंकि यहां से एक्स छोटा ही रखना है -1 से, तो क्या काम का फिर, मिटा दो। अगला करिए, ये तो कक्षा 7वीं का क्वेश्चन है, कर दो। मॉड ही नहीं है तो क्या करें, सरल हो गया। अरे यार इससे सरल क्या क्वेश्चन दूं, पूरे में 6 का मल्टीप्लाई कर दो, नहीं -1, इससे सरल क्या आया। अगला करो, अगले लेक्चर में शुरुआती 45 मिनट में ये खत्म भी होगा और नया चालू भी होगा, तो बोलो क्या करें, सना दीदी बोलो क्या करना चालू, 2D उसके पहले ट्रिग्नो करो, ये करो क्वेश्चन। देखिए मैं करता हूं, एक्स इज इक्वल टू -4 ± b² - 4ac/2a। बोर्ड पे देखना, तो -4 ± 8/2, तो -2 + √2 - 2 - √2। देखना मैंने सही लिखा, बोर्ड पे देखना साहब, √2 मतलब 1.4, 1.4 में से 2 गया, माइनस का 1.4 माइनस का 2, तो इसका वेवी कर्व आप देखेंगे तो -3.4 और -0.6 पे ऐसे चलेगा, अंदर अंदर की चीज का वेवी कर्व। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है इस इलाके में और इस इलाके में, तो मैं कहूंगा एक्स बिलोंग्स टू -∞ से -2 - √2 यूनियन -2 + √2 से इन्फिनिटी। बुरखा खोल दो और इसको सॉल्व करो, यदि x इस इलाके में आता है तो आंसर, नहीं आता है तो नहीं, और एक आंसर और आएगा। अब हम कहेंगे कि x -2 - √2 से -2 + √2 के बीच में हो, तो ये नेगेटिव है मॉड के अंदर का, तो उसको खोलते समय बाहर माइनस। अब आप इसको सॉल्व करो, यदि x इसके बीच में आता है तो आंसर, नहीं तो नहीं। इसको अलग करिए, इसको अलग करिए, करिए। सुनो, 1 इस इलाके में आएगा क्या, इस इलाके में आएगा ना 1, अरे आएगा,
तो वन सिलेक्ट हो गया। माइनस 10 बटा 3 मतलब माइनस 3.33 एक्चुअली यहां होगा, तो वो रिजेक्ट हो गया। छे छंगल ने रजवाड़ी दात। भाई ये दो है तीन है। छे छंगल ने रजवाड़ी रा माथे गर्भ ने घूमे खड़ल मा। छे जंगल ने रजवाड़ी रा फैक्टर बनेंगे क्या 11-6 बहुत बढ़िया। बोर्ड पे देखो माइनस टू हाँ यस माइनस टू इस इलाके में आएगा। और माइनस 11/3 का मतलब ऊपर यदि माइनस 12 होता तो -4 -3.9 वो बाहर चला गया। बाकी के क्वेश्चंस अगली क्लास में करते हैं, खूब सारी प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है इसी प्रकार के क्वेश्चन की। और अभी आधे घंटे में दोबारा मिलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आगे बढ़ेगा। और आज बच्चे कम है ना, तो अपन ज़्यादा काम का पढ़ाएंगे, राइट टाइम पढ़ाएंगे।